बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको है खुश आमदीद। उर्दू जमात रिसेप्शन लेक्चर नंबर 11 हर्फ आइन और गाइन सफ़ा नंबर 25 और 26। जी रिसेप्शन स्टूडेंट्स, आज का हमारा उनवान है हर्फ आइन और गाइन। ठीक है, हर्फ आइन और गाइन का काम शुरू करने से पहले हम पिछले तमाम उनवानात की दोहराई करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना आज का नया काम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं दोहराई। जी सबसे पहले ये कौन सा लफ्ज़ है, आपने मेरे साथ पढ़ना भी है। ठीक है, अलिफ अंगूर, मेरे साथ पढ़ें, बे बारिश, पे पतंग, ते तराजू, टे टोपी, से समर, जिम जहाज, चे चिड़िया, हे हुजाम, खे खरगोश, दाल दवा, दाल डॉक्टर, जाल जखीरा। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ तक मेरे साथ पढ़ा है, अब हम आगे देखते हैं। रे रेलगाड़ी, अड़े घोड़ा, जे जुबान, ये जला बारी, सिन सांप, शिन शहद, सौ साबुन, जौज़ईफ। जी तो ये तोता, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या काम किया था, तोएं, और तोएं से कौन सा लफ्ज़ बना था, तोएं तोता, जोएं ज़रूफ, आपको याद है ना हमारा पिछला काम। जी हमने पिछले लेक्चर में तोएं और जोएं की लिखाई की थी और उसकी नुक्तों वाली ट्रेसिंग की थी। ठीक है बच्चों, अब आज हम देखते हैं कौन हमारा उनवान है आज का, आइन और गाइन। सबसे पहले हम देखेंगे आइन की पहचान और ज़खीरा अल्फाज। सबसे पहले आप आइन देखेंगे, आइन को बनाना कैसे है और आइन से बनने वाली अशिया के नाम की पढ़ाई करेंगे आप। ठीक है जी, सबसे पहले आप आइन देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आइन आपने कैसे बनाना है, आपको कुछ समझ आई है आइन कैसे बनाना है? ठीक है चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी दो फिंगर्स को ज्वाइन करना है, जिन टू फिंगर्स के साथ आप अपनी पेंसिल को पकड़ते हैं। ठीक है, उन टू फिंगर्स को ज्वाइन करें। आपके पास अगर आप टेबल पे हैं तो अपने टेबल पे साथ मेरे साथ साथ फिंगर ट्रेसिंग आपने करनी है। ठीक है, फिंगर के साथ सबसे पहले आपने जैसे सी बनाते थे ना, इंग्लिश में हमने ख साउंड बनाया था, जी वैसे ही आपने पहले छोटा सा ऊपर सी बना लेना है। सी तो आप सीधा बनाते थे ना, लेकिन यहाँ पे आपने जब आपने बनाना है आइन, तो आपने सी को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको टेढ़ा सा करके बनाओगे, फिर उसके बाद जहाँ पे आपने सीन को बना के ख़त्म किया, वहीं से नीचे आप इसकी गुलाई ले आओगे। इसको आपने तिरछा नीचे सीधी लाइन लेके आकर इसको आपने हाफ गोल कर देना है। ठीक है, आपको समझ आया है? जी मैं आपको दोबारा बताती हूँ, आप दोबारा मेरे साथ करें। पहले आपने थोड़ा सा टेढ़ा सी बनाना है, आपने सी बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ आपने सी को ख़त्म किया था वहाँ से आपने पेंसिल नहीं उठानी। ठीक है, वहीं पे अपनी पेंसिल रखें और उसको नीचे लेके आकर नीचे से थोड़ा सा सीधा लाएं, फिर उसको गोल करें और उसकी गुलाई बना दें, तो आपका ये क्या हर्फ बन जाएगा, आइन। क्या हर्फ बनेगा, आइन। अब हम देखते हैं आइन के ज़खीरा अल्फाज। आइन अमारत, मेरे साथ पढ़ाई करें इसकी, आइन अमारत, आइन औरत, आइन अमारत, आइन औरत, आइन ऐनक। ऐनक कौन लगाता है आप, आपको अच्छी लगती है ऐनक, आइन आइन से बनती है ऐनक। ठीक है,
ऐन का, ऐन जब हम लिख ऐनक जब हम लिखते हैं तो उसका जो पहला हर्फ होता है वो ऐन होता है, ठीक है। ऐन अमारत, ऐन औरत, ऐन ऐनक, ठीक है। अब हम देखते हैं गैन। गैन की पहचान और ज़खीरा अल्फाज अब हम देखेंगे। जी ये तो ऐन बन गया। जी आइन के लिए, गैन बनाने के लिए सबसे पहले हम आइन बनाएंगे। आइन आपको टीचर ने बताया है आपने कैसे बनाना है। दोबारा से अपने टू फिंगर्स को ज्वाइन करें, आप तिरछा सा टेढ़ा सा आप बनाएंगे सी, और जहाँ पे आप सी का एंड करेंगे वहीं से आप नीचे गुलाई लाकर तो आइन की गुलाई करेंगे, तो ये आपका आइन बन जाएगा, ठीक है। गैन बनाने के लिए भी आप सबसे पहले आइन बनाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर आप एक ऐसे छोटा सा नुक्ता लगा दोगे, तो क्या ये बन जाएगा गैन, क्या बनेगा गैन, ठीक है। आप सबको समझ आ गई है गैन कैसे बनाना है हमने। अब जब आप मेरे साथ गैन से बनने वाले ज़खीरा अल्फाज की पढ़ाई करेंगे तो साथ में आपने अपनी फिंगर्स के साथ गैन बनाते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और जब आप कॉपी पे काम करें तो आपको आसानी से आपको लिखना आ जाए, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे गैन से क्या अशिया बनती है। गैन गुब्बारा, साथ पढ़ाई करें इसकी, गैन गुब्बारा, गैन गुलेल, गैन गुलेल, गैन गुब्बारा, गैन गुलेल, गैन, सॉरी बच्चों, ये जो आपकी वोकैबलरी है ये गैन से नहीं मिल, गैन से शुरू नहीं होती, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ दो ज़खीरा अल्फाज पढ़ेंगे, गैन, गैन गुब्बारा, गैन गुलेल, ठीक है। अब हमने कॉपी पे काम करना है। कॉपी पे काम करने से पहले, काम शुरू करने से पहले आपके पास किताब सुनिए, पढ़िए और रंग भरिए। उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबर, शॉपनर का होना ज़रूरी है। सबक को ध्यान से सुनिए और कॉपी पे काम करें। जी प्यारे बच्चों, आप को काम शुरू करने से पहले आपके पास किताब सुनिए, पढ़िए और रंग भरिए। उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर होना ज़रूरी है। आप सब अपनी ये चीज़ें तैयार रखें और इसके साथ तैयार होकर आपने मेरे साथ कॉपी पे काम करना है। आपने सबक को ध्यान से सुनना है और कॉपी पे काम करना है। कॉपी पे काम आप मेरे साथ साथ करोगे। जहाँ आपको लगे कि आपका काम पीछे रह गया है और वीडियो तेज़ चल रही है तो आपने अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लेना है, फिर उसके बाद आपने अपना काम मुकम्मल करना है। काम मुकम्मल हो जाने के बाद आपने वीडियो को दोबारा से चला लेना है और अपना आगे से काम जारी रखना है, ठीक है। आप सबको समझ आ गई है। अब मेरे साथ काम करने के लिए आप तैयार हैं? वेरी गुड, रिसेप्शन स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा काम करते हैं जी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलें। कॉपी पे सबसे पहले आपने देखना है हर्फ आइन वाला सफ़ा खोलना है, उसके ऊपर आपकी तारीख और दिन लिखा हुआ है, जिस तारीख और दिन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका उनवान भी लिखा हुआ है। उनवान आज का हमारा क्या है? हर्फ आइन। क्या है हमारा उनवान? हर्फ आइन जी। सबसे पहले आप देख सकते हो आइन कैसे बनाना है, आपकी कॉपी पे भी लिखा हुआ है आइन आपने कैसे बनाना है। आप देखें अपनी कॉपी पे, आपकी कॉपी पे सबसे पहले जो ऊपर दो लाइंस में दी हुई हैं वो नुक्तों वाली ट्रेसिंग है। नुक्तों वाली ट्रेसिंग आपने कैसे करनी है? पहले नुक्ते पे आप अपनी पेंसिल का लेड रखें और दूसरे नुक्ते के साथ साथ मिला के नुक्तों को आपने मिलाकर आइन की लिखाई मुकम्मल करनी है, ठीक है। जल्दी से नुक्ता मिलाकर आइन लिखें, जल्दी से देखते हैं सबसे अच्छा कौन लिखता है। शाबाश, आज तो सबने लगता है जल्दी जल्दी काम कर लिया है मेरे साथ। चलें अब हम देखते हैं आइन की आपने लिखाई करनी है एक नुक्ते पे, ठीक है। आप देख सकते हो ना आपकी कॉपी पे नीचे टू लाइंस में एक एक नुक्ता लगा हुआ है। उस एक नुक्ते से आपने पहले अपनी पेंसिल का लेड रखना है
और जैसे मैंने आपको बताया था आयन कैसे बनाना है, आपने पहले सी को आयन नुक्ते से बनाकर थोड़ा सा टेढ़ा सीन बनाना है, फिर उसकी गुलाई आपने लाइन तीसरी लाइन की जहाँ जो आपकी रेड लाइन है वहाँ तक आपने लेके आनी है, ठीक है। रेड लाइन से लाकर फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा आपने गोल करना है, ऊपर लेके आना है लाइन तक आपने थोड़ा सा, ठीक है। आयन की जल्दी से लिखाई करें, शाबाश, जल्दी जल्दी से कर लें। आप सबकी या इनकी लिखाई हो गई है। अब हम देखते हैं अगला सफ़ा खोलें। अब आप अगले सफ़े पे भी आपकी तारीख और दिन लिखा हुआ है, जिस तारीख दिन पे आप काम कर रहे हैं, और आपका उनवान है हर्फ गैन। क्या है आपका उनवान? हर्फ गैन। गैन की सबसे पहले आप लिखाई देख रहे हैं। गैन कैसे लिखा हुआ है? आयन बनाकर उसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आप गैन की नुक्तों वाली ट्रेसिंग करें, नुक्ते से नुक्ता मिलाकर आप उसकी ट्रेसिंग करके एक ऊपर नुक्ता लगाएंगे, ठीक है। सबका काम हो गया है ये, जल्दी से कर लें, जल्दी से। जहाँ से वीडियो समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा काम अगर आज वीडियो तेज चल रही है तो अपनी वीडियो को रोक लें, काम मुकम्मल करें, फिर उसके बाद दोबारा से वीडियो को चलाकर अपना अगला काम जारी रखें जी। अब हम नुक्ता एक नुक्ते पे हम गैन को लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप पहले आयन बनाओगे और फिर उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? गैन। गैन आपने तीन लाइनों में बनाना है, ठीक है। शाबाश, सबका ये काम हो गया है। अब हम देखते हैं घर का काम। घर का काम हर्फ आयन गैन की ट्रेसिंग और लिखाई कॉपी पे करें, और किताब के सफ़ा नंबर 25 और 26 में रंग भरिए। जी बच्चों, आपने 25 और 26 आयन और गैन की जो अशियाँ बनी हुई हैं उन तस्वीर में आपने रंग भरने हैं, आपने रंग अच्छे अच्छे से भरने हैं, ठीक है बच्चों। आप सबको आज के हमारे दो उनवान समझ आ गए हैं। आपने उन दो उनवानात की ट्रेसिंग की और लिखाई की, और वो कौन से दो उनवान थे? हर्फ आइन और हर्फ गैन, ठीक है बच्चों। अब हमारा लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।